नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फेस पैक जो आपके फेस पे नेचुरल ग्लो लाने वाला है। और ऑब्वियसली अगर आपके फेस पे नेचुरल ग्लो है तो इस फेस्टिव सीजन में आप कोई भी मेकअप अप्लाई करो, बहुत ही ज़्यादा कम मेकअप आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा यू नो मेकअप के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना होगा। कई बार होता है कि टैनिंग की वजह से बहुत सारा यू नो पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की वजह से हमारे फेस में जो ग्लो रहता है वो कहीं जैसे खो जाता है। उसके लिए हमें ये वाला जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आपको डेली फॉलो करना है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ओनली टू इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ वन इज़ सैंडलवुड पेस्ट। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सैंडलवुड आपको यू नो जो वुड है वो आपको मिल जाता है, उसका पेस्ट बना लीजिए। एंड हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे अगर आपके पास वो वुड नहीं है तो ऑब्वियसली आपको पाउडर, सैंडलवुड पाउडर जो मिलता है मार्केट से वही लेना होगा। बट आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ सच नेचुरल एंड कम्प्लीटली प्योर सैंडलवुड पेस्ट जो आपको सैंडलवुड को अच्छी तरह यू नो घिसने से जो पेस्ट बनता है वो आप यूज़ करोगे तो इट्स ऑब्वियसली बेस्ट, ठीक है? इसमें हम ऐड करेंगे अबाउट वन यू नो हाफ टी स्पून ऑफ, ज़्यादा नहीं, बस हाफ टी स्पून ऑफ हनी। मैंने यहाँ पे पतंजलि का हनी यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा यू नो रेफ्रिजरेटर में था इसीलिए जम गया था। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला लेंगे। सैंडलवुड पेस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये दोनों ही आपको सूट नहीं करता या फिर घर पे नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल जो फिल्टर वाटर है उससे भी आप ये पेस्ट घिस के बना सकते हैं, ठीक है? बन गया हमारा फेस पैक, दैट्स इट। बस ये टू इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए आपको। और यू नो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे इमीडिएटली बनाओ एंड अपने फेस पे लगाओ रैदर देन स्टोरिंग इट एंड मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट एंड स्टोरिंग इट। बिफोर अप्लाइंग दिस फेस पैक मेक श्योर कि आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें आपके स्किन के हिसाब से, ठीक है? एंड अप्लाई दिस पैक ऑन योर फेस। आपको इसे अच्छी तरह अपने फेस पे एक इवन लेयर अप्लाई कर लेना है। आपको मसाज भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस 15 टू 20 मिनट्स आपको इसे रखना है। और एक चीज़, मेक श्योर कि आपका फेस क्लीन हो बिफोर अप्लाइंग इट। एक लेयर जब अप्लाई हो जाए आपको 5 मिनट्स वेट करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई अनदर लेयर, ठीक है? थोड़ा सा थिक लेयर आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। कितनी बार अप्लाई करना है? दिन में 2 बार आपको अप्लाई करना है। ऑब्वियसली फेस्टिव ग्लो चाहिए आपको अपने फेस पे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ज़्यादा यू नो हार्डवर्क देना होगा। और अगर आपको लगता है कि स्किन अच्छा है तो ये ऐसे ही रहेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप डूइंग इट यू नो एवरी डे। आपको दिन में 2 बार ये करना है। आप दिन में एक बार बना के रखो और रात में भी यूज़ करके उसे ख़त्म कर दो, ठीक है? अभी इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमने यूज़ किया है सैंडलवुड। सैंडलवुड आपके फेस में अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसे हटाएगा, रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसे हटाएगा, टैनिंग की प्रॉब्लम है उसे ठीक करेगा, किसी भी तरीके का अनइवन स्किन टोन है आपका उसे ठीक करेगा, प्लस ये आपकी स्किन को स्मूदन करेगा, ब्राइटन करेगा एंड ग्लो प्रोवाइड करेगा। एक नेचुरल इनर ग्लो प्रोवाइड करता है सैंडलवुड, और साथ ही साथ यू नो एक बहुत ही धीमी यू नो बहुत ही अच्छा वाला एक खुशबू है इसमें, तो ऑब्वियसली विल लव दिस फेस पैक। साथ ही हमने ऐड किया है यहाँ पे हनी। हनी में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ रिंकल्स। आईज़ के अराउंड अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स एंड यू नो डार्क स्पॉट्स है तो वो उसे ये दूर करेगा, पिम्पल्स की प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। आप किसी भी एज के हो आप ये वाला फेस पैक ज़रूर ट्राई करो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड हनी में होता है यू नो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। दिस कैन बी यूज बाई एनी टाइप्स ऑफ स्किन, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन, ऑयली, कोई भी स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सीजन में आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? थ्रू आउट द ईयर आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट
यू हैव टू पुट इट ऑन योर फेस 15 to 20 minutes इसे ड्राई होने के लिए रखना है. ऑब्वियसली इसमें हनी है तो ये 100% ड्राई तो नहीं होगा, यू नो थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा. उसे ही आपको नॉर्मल वाटर से बस धो लेना है. दैट्स इट. पुट अ मॉइस्चराइजर. सैंडलवुड जैसे आपके फेस को ना ड्राई होने देता है ना ऑयली. ठीक है, एक्सेस ऑयल है तो आपके फेस से ये बिल्कुल ऑयल को रिमूव कर देगा. वैसे ही आपका फेस अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसे ये बिल्कुल भी यू नो एक्सेसिव ड्राई नहीं होने देगा. ठीक है, मॉइस्चराइज रखेगा. ऑन द अदर हैंड हनी में क्लैरिफाइंग यू नो प्रॉपर्टीज़ है जो आपके पोर्स को भी क्लीन रखेगा. दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करो. अगर आप मुझसे पूछोगे कि ड्रग स्टोर या फिर यू नो स्टोर बॉट जो सैंडलवुड पाउडर है वो मैं आपको क्यों रिकमेंड नहीं कर रही, बिकॉज उसमें बहुत सारे यू नो और कुछ पाउडर्स मिक्स्ड होता है, मुल्तानी मिट्टी बोलो या फिर कुछ और पाउडर्स मिक्स होता है, एंड सो आई डिड नॉट रिकमेंड इट. यूज़ वेरी प्योर थिंग्स. आई होप यू विल लाइक इट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो.